जिले में नहर व नदी में डूबने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं जो नहर व नदी में नहाने जाते हैं और पानी के तेज बहाव के कारण डूब जाते हैं। हरियाणा के करनाल में स्कूल से बंक मारकर यमुना नदी में नहाने गए 10वीं कक्षा के 6 छात्रों में से 3 छात्र नदी में बह जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद अन्य 3 छात्रों ने इसकी सूचना गांव में दी। सूचना मिलते ही पूरा गांव यमुना के किनारे पहुंच गया और तीनों को तलाशना शुरू कर दिया। नलवी पार गांव के सरपंच कृष्ण ने बताया कि बुधवार सुबह के करनाल के कुंजपुरा थाना क्षेत्र के महदमपुर के एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले अभिषेक, अमित, गुरचरण, सौरभ, हर्ष और गौरव स्कूल न जाकर बाइक से सीधे नलवी पार गांव यमुना नदी में नहाने गए थे। यमुना नदी में नहाने के लिए सभी छात्र करीब 10 बजे गए थे। 11 बजे ग्रामीणों को सूचना मिल गई थी कि शाम तक पूरा गांव नदी के किनारे खड़ा था। इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी। बता दें कि अभी भी यमुना में पानी का बहाव बहुत तेज है। 5 घंटे तक ग्रामीण तीनों छात्रों को यमुना में तलाशते रहे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।